Hello students, I am Divya Kashyap from Success CDs Education. Today in this video, I am going to discuss about the sample question paper for session 2020 to 2021, section C, which carries the three mark questions. So the question is, after self-pollination in pea plants with the round yellow seeds, following types of seeds were obtained by Mendel analyze the result and describe the mechanism of inheritance which explain these results we have this data which is given along with the question and we have another question in an option that is in humans there is a 50% probability of the birth of a boy and 50% probability that a girl will be born justify the statement on the basis of the mechanism of sex determination in human beings तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते अब इस क्वेश्चन में हमें ये डेटा दिया गया है राइट right? और इसमें हमें बोला गया है दैट इज इन दिस वी क्रॉस राउंड येलो सीड्स सीड्स राइट विद द द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंड रिजल्ट आस सो यहां पे हमें दिया गया है कि राउंड और येलो सीड्स तो दैट मीन्स जो करेक्टर यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो राउंड और येलो सीड्स का पढ़ेंगे तो राउंड means capital R capital R, yellow means capital Y capital Y, then again we have round, so it can be denoted by two capital R's. Green, let's plot it with small y, क्योंकि दोनों ही colors हैं yellow green, and wrinkled say by small r small r. अब यहाँ पे मैंने इसको capital इसको capital इसको small r इसको small q लिया है, क्योंकि देखिए जब हम इस data को refer करेंगे तो हम देखेंगे कि जो maximum करेक्टर अपीयर हुआ दैट वॉज राउंड एंड येलो सो दैट मीन्स राउंड और येलो दोनों डोमिनेंट जीन है इसीलिए राउंड को भी मैंने कैपिटल आर ले लिया और येलो को मैंने कैपिटल वाई ले लिया नेक्स्ट वी हैव राउंड विद ग्रीन राइट तो ग्रीन को मैंने क्योंकि ग्रीन और येलो दोनों कंट्रास्टिंग जीन है इसलिए उस उसी का स्मॉल लेटर मैंने ग्रीन को ले लिया बट ऑब्वियसली यहाँ पता लग रहा है कि ये डोमिनेंट जीन नहीं है दोनों में से येलो ही डोमिनेंट जीन है थर्ड हमारे पास है रिंकल्ड एंड येलो तो येलो हमारे पास है रिंकल्ड और राउंड दोनों कंट्रास्टिंग जीन है तो इसका मतलब ये भी डोमिनेंट करेक्टर नहीं है इसीलिए कैपिटल आर कैपिटल आर का स्मॉल लेटर मैंने रिंकल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया अब हमें इसमें बताना है कि, कि किस तरीके से इनहेरिटेंस हुई अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि दो करेक्टर्स को पढ़ा गया है दैट इज राउंड विद येलो सीड क्रॉस्ड विद रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड तो अगर हम यहाँ इनके ये हमारे पास पेरेंटल जनरेशन है अगर हम इनके गेमीट्स बनाएंगे तो इनके गेमीट्स क्या बनेंगे आपके पास आर वाई ठीक है और इसके गेमीट्स क्या बनेंगे आर एंड आर ठीक है तो अगर आप इनको क्रॉस करोगे मतलब अगर इन मीट्स को हम लिखें तो आपको पता है कि गमीट्स हमेशा ऐसे बनाए जाते हैं आर वाई दूसरा भी हमारे पास आर वाई हो गया तीसरा भी आर वाई और चौथा भी आर वाई और इसके अंदर भी हमारे पास चार आर वाई आ गए तो इनको हम जैसे भी क्रॉस करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी आर आर राइट वाई एंड वाई एफ वन जेनरेशन जो बनेगी इट विल बी राउंड विथ येलो सीट ठीक है अब एफ टू जनरेशन के लिए हमारे पास एफ वन के पेरेंट्स होते हैं तो हमारे पास हो गया ये आर आर वाई वाई और यहाँ पे भी आर आर वाई वाई तो अगर हम इनके गेमीट्स देखे तो इसको आप कैसे बनाओगे आर वाई आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई और सिमिलरली इसके भी तो अगर हम इसका स्क्वायर बनाए तो इसका जो स्क्वायर बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा आर वाई आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई और यहां पे भी आप सेम इसी तरीके से लिख देंगे ठीक है तो अगर अब इसको हम एक स्क्वायर की फॉर्म में ले लेते हैं इस तरीके से और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा लेते हैं तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आर आर वाई वाई और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो हमारे पास एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई आएगा यहाँ करेंगे तो दोनों ही कैपिटल वाई बट यहाँ पे स्मॉल आर भी आएगा यहाँ करेंगे तो आर आर वाई एंड वाई और इसमें आर आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई और इसके अंदर अगर करेंगे तो दो स्मॉल वाई आ रहे हैं हमारे पास इसमें अगर करेंगे तो इस तरीके से आ रहा है हमारे पास तो इसी तरीके से आपने इसको आपस में मेट कराना है उससे हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई यहाँ दोनों स्मॉल आर और कैपिटल वाई यहाँ दोनों के स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से राइट और यहाँ पे हमारे पास दोनों ही स्मॉल वाई हैं यहाँ पे हमारे पास दोनों स्मॉल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई है और यहाँ पे हमारे पास दोनों ही स्मॉल वाई है तो अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो हमारे पास जो रेशियो आएगा यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो वो क्या आएगा नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन अब नाइन उसमें से क्या होगा इट विल बी डोमेंट चीन दैट इज राउंड विथ येलो और थ्री क्या होगा हमारे पास दैट इज राउंड विथ ग्रीन थ्री क्या होगा रिंकल्ड विद येलो और रिंकल्ड विद ग्रीन मतलब जो रिसेसिव है वो क्या होगा हमारे पास वन सो दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉज जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास मेंडल ने लॉ दिया था दैट इज द फर्स्ट लॉ के हर एक करेक्टर uh, के लिए हमारे अंदर एक पेयर ऑफ जीन होता है सेकेंड लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस आउट ऑफ टू जीन्स एक ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट और डोमिनेंट की प्रेजेंस में जो दूसरा जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको हम रिसेसिव जीन कहते हैं देन वी हैड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि टू गैमीड्स कंट्रोलिंग ईच करेक्टर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीड फॉर्मेशन

और में जो ऑप्शन में हमारे पास क्वेश्चन था दैट वाज इन ह्यूमंस देर इज 50% परसेंट ऑफ बर्थ ऑफ बॉय एंड 50% परसेंट प्रॉबिबिलिटी दैट अ गर्ल विल बी बोर्न अब इसको हमें स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है और सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करना है अब हमें पता है कि अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ प्रोसेस बाई विच सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटमाइंड सेक्स ऑफ द चाइल्ड एज डेटोमाइंड मतलब जिससे हमें पता लगता है कि चाइल्ड का सेक्स क्या होगा अब आपको बताएं अगर हम इसका मैकेनिज्म पढ़ें तो हमारे पास फादर और मदर यही पेरेंट्स होते हैं राइट right? तो पेरेंटल जेनरेशन में अगर हम इनके अंदर क्रोमोसोम्स देखते हैं तो सेक्स क्रोमोसोम फादर के अंदर एक्स वाई और मदर के अंदर एक्स एक्स होता है सो दिस इज द पेरेंटल जेनरेशन अब ये जो आगे गेमीट्स बनाते हैं दैट इज़ एक्स एंड वाई और मदर जो गेमीट बनाती है दैट इज एक्स एक्स अब देर कैन बी अ चांस कि ये एक्स इसी एक्स के साथ फ्यूज करे देर कैन बी अ चांस ये एक्स इसके साथ करे या ये वाई इस एक्स के साथ करे तो किसी भी तरीके का अगर कॉम्बिनेशन होगा हम पुनेट स्क्वायर में ही बना लेते हैं तो पुनेट स्क्वायर को बनाने के लिए हम इस तरीके से स्क्वायर बना लेते हैं तो हमारे पास हो सकता है अगर ये एक्स इस एक्स के साथ फ्यूज करे तो हमारे पास एक्स एक्स आए और ये एक्स अगर इस एक्स के साथ फ्यूज करेगा तो भी एक्स एक्स आएगा बट एक्स एंड बाई फ्यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई आएगा और यहाँ पे भी हमारे पास एक्स वाई तो हमने ये देखा कि एक्स एक्स भी दो बार अपीयर हुआ और एक्स वाई भी दो बार अपीयर हुआ सो दैट मीन्स देर इज अ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांस के आपके पास एक्स एक्स बन रहा है या एक्स वाई बन रहा है आपको पता है एक्स एक्स अगर बनेगा सो इट वुड बी अ गर्ल अगर एक्स वाई बनेगा इट इज गोइंग टू बी अ बॉय राइट तो तभी हम कहते हैं कि यहाँ पे फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांस होता है बॉय या फिर गर्ल का और एक चीज आपको याद रखनी है कि जो सेक्स ऑफ अ चाइल्ड है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन फादर क्योंकि आपने देखा फादर के ही दोनों क्रोमोजोम सेम नहीं है फादर इज हेट्रोकेमिटिक इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट कैमिट्स एज फार एज मदर इज कंसर्न तो मदर तो दोनों सेम केमीट्स ही प्रोड्यूस कर रही है सो दिस इज हाउ यू गोना एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लास्टिक कप्स वर्व टी इन ट्रेन इन अर्ली डेज दीज कूड बी रिटर्न टू देंडर्स एंड रीय लेटर कप्स आर यूज फॉर सर्विंग टी वॉट आर द रीजन फॉर द शिफ्ट फ्रॉम प्लास्टिक टू कूलर एंड देन फाइनली टू पेपर कप अब देखिए अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो पहले आपको दिया गया कि प्लास्टिक यूज होता था देन इट वॉज रिप्लेस बाय कुल्लर्स एंड देन अब यूज होते हैं पेपर कप्स ठीक है आपको बताए कि जितने भी हमारे पास सब्सटांसिस होते हैं या तो वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं राइट और या फिर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटांसिस वो होते हैं जो कि माइक्रो uh, ऑर्गेनिजम के एक्ट से डीकम्पोज हो जाते हैं डिग्रेड हो जाते हैं और फिर वापस से न्यूट्रिएंट uh, पूल में रिसाइकल हो जाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं विच कैन नॉट बी डीकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वो डिकम्पोज नहीं होते और कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा टाइम के लिए इन्वायमेंट में रहेगी विदाउट गेटिंग थी कम्पोज तो वो पॉल्यूशन कॉज करेगी तो अगर हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्स्टांस है दैट मीन्स इट कैन नॉट बी डिकम्पोज़ बाय द एक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता इसी वजह से ये पॉल्यूशन कॉज करता है इट इज वन ऑफ द पॉल्यूटेड ठीक है इसीलिए प्लास्टिक्स को किससे रिप्लेस किया गया कूलर से अब कूलर्स किससे बनते हैं ऑब्वियसली मिट्टी से बनते हैं ठीक है इट इज फॉर्म्ड ऑफ सैंट या आप लिख सकते हो कि मिट्टी से बनते हैं अब कूलर्स को जब कुल्लर्स की अगर हम बात करें तो कुल्लर्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं कुल्लर्स क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल मींस मीन्स दे कैन बी इजली डिकम्पोज बाय द एक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जब हम इसको जब ये डिकम्पोज होंगे तो क्या होगा इससे फिर मिट्टी और पानी निकलेगा और वो सॉयल मतलब फिर से उसी न्यूट्रियट पूल में उसी साइकिल में आ जाएगा और वो चीज़ें रिपीट होती रहेगी दैट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन एंड इट कैन बी रिसाइकल्ड रिसाइकल इन द सेंस मीन्स टूटेगा उसको वो करेंगे तो मिट्टी ही बनेगी मिट्टी वापस से यूज हो जाएगी अब कूलर्स को हम पेपर कप से रिप्लेस क्यों करते हैं अब देखिए आपको पता है कि पेपर किससे बनता है ट्रीज से बनता है राइट एंड ट्रीज आर वेरी प्रीशियस ट्रीज आर वेरी प्रीशियस तो क्या होता है हमारा एक और चीज़ भी आपने पढ़ा होगा दैट इज थ्री आर्स एनवायरमेंट में हम पढ़ते हैं थ्री आर्स दैट इज रिसाइकल रिड्यूस एंड रीयूज तो अगर हमारे पास बहुत पेपर है ठीक है तो पेपर को Uh, मतलब रिसाइकिल कर सकते हैं रिसाइकिल मीन्स जो यूज पेपर है दैट कैन बी मेड इन टू पेपर कप्स और उन पेपर कप्स को हम यूज कर सकते हैं तो ऐसे क्या होगा कि जो पेपर है वो वेस्ट भी नहीं होगा अदरवाइज जो पेपर होता है दैट इज बायोडिग्रेडेबल ठीक है तो वो पॉल्यूशन भी कॉज नहीं करेगा और रिसाइकिल भी हो जाएगा राइट और हमारे जो uh, तीन थ्री आर्स है दैट इज रिड्यूस री एंड रिसाइकिल उसको भी हम ओबे कर लेंगे सो दैट इज द रीजन के प्लास्टिक कप से कूलर्स और कूलर से पेपर कप्स पे हमने शिफ्ट किया नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वेयर एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड अब अगर वेयर की बात करें तो हमें पता है कि यूरिन कहाँ बनता है इट इज प्रोड्यूस्ड इन द किडनी यूरिन कहाँ बनता है किडनी के अंदर राइट right. अब कैसे प्रोड्यूस होता है हमें पता है कि हमारे अंदर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है जिसमें हमारे दो किडनीज आ जाती हैं राइट right? यूरेटर्स आ जाते हैं यूरेटर्स ओपन अप होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम ब्लैडर कहते हैं और ओपनिंग ऑफ जो ब्लैडर होता है उसको हम क्या कहते हैं यूरेथ्रा ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है अगर हम किडनी की बात करें तो हमें पता है कि किडनी इस तरीके से बीन शेप्ड होती है इसका जो आउटर पोर्शन है उसको हम कॉटेक्स और इनर वाले को बुलाते हैं इसको बुलाते हैं इनर वाले को और हमें ये भी पता है यहाँ पे इस तरीके की डक्ट्स होती है जिनको हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं और पॉइंट जहाँ से यूरेटर अराइज होता है उसको हम हाइलम बुलाते हैं अब जैसे ये सिस्टम है ये ऑर्गन है ऑर्गन टिश्यू से बना है और टिश्यू सेल से बना है और आपको पता है कि यहाँ पे जो सेल है जो हमारा किडनी का स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है राइट right, ऐसे ही होता है ना अब आपको पता है कि यहाँ पे जो कैपिलरीज होती है इनको हम ग्लोमेरुलस बुलाते हैं दे आर कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस इसमें ब्लड रहता है और ये पूरी वेसल्स इसको सराउंड करती है नेफ्रॉन को अब यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स जिसमें से पहला पार्ट है फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन में क्या होता है अगर आप इस इस कप शेप स्ट्रक्चर मतलब बोमन्स कैप्सूल को अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से होता है राइट right. और यहाँ पे है कैपिलरीज आपको पता है कैपिलरीज के अंदर ब्लड होता है तो ब्लड के अंदर जो भी सब्सटेंसेस है यूजफुल है नॉन यूजफुल है जो भी दे गेट डिफ्यूज इनटू वोमन कैप्सूल दे गेट डिफ्यूज इनटू वोमेंस कैप्सूल और ये कैसे डिफ्यूज होता है क्योंकि यहाँ पे कैप्सूल uh, की वॉल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं फेनेस्ट्रा सो ट्रू फेनेस्ट्रा यूजफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटैंसेज दे डिफ्यूज इंटू कैप्सूल और यहाँ से पास होते हुए पी सी टी से पास होते हुए यहाँ से दे रीच दिस पार्ट डेट इज लूप ऑफ हेनले राइट अब ये हो गया फिल्ट्रेशन देन इट इज़ फॉलोड बाय री एब्जॉर्प्शन इट इज़ फॉलोड बाय री एब्जॉर्प्शन अब री एब्जॉर्प्शन में क्या होता है जो सब्सटांसिस यहाँ पे आए हैं राइट right, उनमें से कुछ यूजफुल भी होंगे और कुछ नॉन यूजफुल भी होंगे तो जो यूजफुल सब्सटांसेज है दे आर पुट बैक इन टू दैपेलरी ब्लड और जो यहाँ बच जाता है उसको हम क्या बुलाते हैं वेस्ट अब इसी रीजन में बाहर से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो वाटर और वेस्ट ये मिलके क्या बनाते हैं यूरिन। तो ये बन गया यूरिन। दिस इज वॉट इज़ री एब्जॉर्प्शन थर्ड वी हैव कलेक्शन

अब यहाँ पे हमें बताना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है हमें पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन इज दैट इन विच द हीट इज एब्सॉर्ब जिसके अंदर हीट क्या होती है एब्जॉर्ब होती है राइट right. और हमें बताना है कि हीट एब्जॉर्ब भी हो रही हो और वो डिकम्पोजिशन भी हो तो हीट एब्जॉर्बेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अब रेस्पिरेशन की अगर आप बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो फूड है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है राइट right? और हमें क्या देता है एनर्जी रिलीज होती है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट मतलब पीबीएनओ थ्री होल ट्वाइस को हम हीट कर रहे हैं और ये टूटेगा और ये किस में टूटता है PbO, एनओ टू और ओ टू ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मतलब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है इट इज गेटिंग ब्रोकन डाउन इलेक्ट्रोलिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर मतलब आपके पास एसिडिफाइड वाटर है आप उसमें से करंट पास करते हो और वो टूट जाता है तो इन सब रिएक्शन में से जो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है दैट इज हीटिंग ऑफ लेट नाइट्रेट राइट सो आई थिंक यू गॉट इट कि ये डिकम्पोजिशन है और डिकम्पोजिशन किससे हो रहा है हीटिंग से हीट आप दे रहे हो सो दिस इज द करेक्ट आंसर अब बी पार्ट में दिया हुआ था कि सिल्वर क्लोराइड एजीसीएल जब आपने इसको ओपन में रखा इट टर्स ग्रे क्योंकि सिल्वर क्लोराइड लाइट की प्रेजेंस में ओरिजिनली वाइट होता है कलर में बट जब आप इसको लाइट की प्रेजेंस में रखते हो इट फॉर्म्स ए जी प्लस सी एल टू और एजी की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है ग्रे एंड दिस काइंड ऑफ डीकम्पोजिशन इज फोटो डिकम्पोजिशन मतलब लाइट की प्रेजेंस में कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो रहा है अब इसको बैलेंस करने के लिए भी कहा था तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे टू लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा सो आई थिंक यू गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल शोज द पोजिशन ऑफ फाइव एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड ई इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ठीक है हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं विच एलिमेंट इज अ मेटल विद वैलेंसी टू अब टू वैलेंसी किसकी होती है टू वेलेंसी उसकी होती है जो ग्रुप टू से बिलोंग करता है और ग्रुप टू में कौन आ रहा है डी एलिमेंट आ रहा है तो यहाँ का आंसर क्या हो गया डी विच एलिमेंट इज लीस रिएक्टिव अब लीस रिएक्टिव कौन होता है जिसका साइज़ आप कह सकते हो जिसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है या जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो ऐसे कौन होते हैं राइट right. अब इनमें से लीस रिएक्टिव तो वो होगा जिसका साइज छोटा होगा

के स्मॉलर एटॉमिक रेडियस मतलब हाई न्यूक्लियर चार्ज और हाई न्यूक्लियर चार्ज हमें कैसे पता लगेगा इसमें एक एलिमेंट है डी और एक है ई डी एलिमेंट ग्रुप टू से बिलोंग करता, e करता है और ई ग्रुप फिफ्टीन से बिलोंग करता है राइट तो यहाँ पे एक ही पीरियड के मेंबर्स हैं तो हमें पता है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल बढ़ते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज छोटा होता है इस वजह से ई e का साइज छोटा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बी पार्ट में दिया है वाई डू आई निकाउंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड स्टेट काफी इजी क्वेश्चन है तो ए पार्ट में हमें पूछा गया है कैल्शियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के हमें एक्सप्लेन करना है कैल्शियम क्लोराइड मीन्स कैल्शियम एंड क्लोरीन अब हमें पता है कैल्शियम का एटोमिक नंबर होता है ट्वेंटी और कॉन्फुग्रेशन होती है टू एथ एट टू और क्लोरीन का एटोमिक नंबर होता है सेवनटीन और कॉन्फुग्रेशन होती है टू एट सेवन अब ये मेटल है क्योंकि जिसके लास्ट में वन टू या थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल होते हैं और जिसके लास्ट में फोर फाइव सिक्स सेवन होते हैं वो क्या होते हैं नॉन मेटल्स सो सो द बॉन्ड इज गोइंग टू बी आयनिक बॉन्ड क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है अब कैसे बनेगा कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वो टू इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा और लूज करने के बाद क्या बनाएगा सी ए टू पॉजिटिव क्लोरीन के पास सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म सी एल नेगेटिव तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या रहेगा कि सी ए के टू इलेक्ट्रॉन्स थे क्लोरीन के पास सेवन थे और इन्होंने मिल बनाया सी ए टू पॉजिटिव सी एल नेगेटिव क्रिस क्रॉस किया तो ये हमारे पास बन गया सी ए सी एल टू तो यहाँ पे क्लोरीन कितने यूज हुए दो तो यहाँ पे हम टू पुट कर देंगे और यहाँ पे भी हम इसको पूरे को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेनेशन आयनिक बॉन्ड का आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि कैल्शियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है और दो क्लोरीन आप शो कर देते और यहाँ पे आप सेवन इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे भी आप सेवन इलेक्ट्रॉन शो कर देते और इसको हम कुछ इस तरीके से भी शो कर सकते थे राइट right? तो यहां पे ये यह बन जाता सी ए टू पॉजिटिव सी एल नेगेटिव सी एल नेगेटिव बट आई ऑलवेज प्रेफर टू शो लाइक दिस ठीक है तो आपको जो इजी लगे आप उसको उस तरीके से शो कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू आई नी कंपाउंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्को स्टेट अब देखिए आइनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में अगर हम उनको देखें तो उनके अंदर काफी आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होता है राइट right? बट अगर हम मोल्टन और एक्वा स्टेट में देखें तो ये फोर्स थोड़ा कम हो जाता है राइट right? और उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो मूव कर पाएंगे और आपको पता है फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है सो so,

वॉटर और डायमंड और सेकेंड केस में आपको पूछा गया है वॉट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू तो अब यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दिस इज वॉट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ पे इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वाटर का दिया गया है 1.33 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का दिया गया है 2.42। अब फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि इन विच मीडियम डज द लाइट ट्रेवल फास्टर वाटर और डायमंड देखिए जब भी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई होती है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई होती है उसका मतलब होता है कि उसके अंदर लाइट का स्पीड उतना ही स्लो होगा स्पीड ऑफ लाइट विल बी स्लो इन इट ठीक है अब यहां पे हमारे पास वाटर की है वन पॉइंट थ्री थ्री और डायमंड की है टू पॉइंट फोर फोर टू सो दैट मीन्स यहाँ पे जिसमें लाइट ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी वो होगा वाटर क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या है कम है एज कंपेयर टू डायमंड सेकंड था वॉट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर अब यहाँ पे हमें दे रखा है दैट इज यहां पे लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कैसे निकालते हैं आप दैट इज दो मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वाटर की टू एयर तो आपके पास आंसर आया 1.33 अब ऐसे ही जब आपने निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर तो ऊपर आपके पास आया डायमंड और नीचे आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एयर की और इसका आंसर दिया है टू पॉइंट फोर टू राइट तो ये हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये एक हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई तो वन और टू को देखते हुए हम डिवाइड कर लेते हैं टू को वन से तो अगर हम टू को वन से डिवाइड करेंगे तो हमें हमारे पास आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर राइट तो हमारे पास यहाँ पे आएगा टू पॉइंट फोर टू डिवाइडेड बाय वन पॉइंट थ्री थ्री क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू थी टू पॉइंट फोर टू और इसकी थी 1.33 सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 1.80 सो दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वॉटर इज 1.80 तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे सो आई थिंक आपको समझ आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बेसिकली किसको बोलते हैं और कैसे इवेलुएट करते हैं सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सैंपल क्वेश्चन पेपर section C. Thank you for watching this video. If you like it, hit the like button, share the video and hit the bell icon for updates on next upload.